और इसके अंदर वायर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो ये वायर है। अब मैं इसको इसमें अटैच करके देखूंगी खोल के। ये ऐसे करके लग जाएगा और इसको रख देंगे और मैं लगा दूंगी। तो गाइस इसको भी मैं खोल लेती हूँ। पहले हीटर मैंने ऑन नहीं किया है, अभी वायर नहीं लगाई है, तो मैं इसको खोल लेती हूँ। ये इस टाइप का है, आप देख सकते हो, इससे ये निकाला जाएगा। ये निकाल देंगे, ये खींच के निकालना पड़ेगा आपको, अपने आप निकालना पड़ेगा। और ये देखिए इस टाइप से निकल, क्योंकि इसमें हम रोल करेंगे तो ये निकलेगा ही, चिपका पड़ा था अंदर वैक्स से, इसलिए ये निकल नहीं रहा था। तो अभी आप देख सकते हो, अब इसको हमने इसके अंदर रखा है। ये डाल देंगे और इसको बंद करके 10 मिनट्स तक तो मैं इसको गर्म करने के लिए रखूंगी। और देख लेते हैं, इधर ऑन हो जाएगी, रेड लाइट हो जाएगी शायद। यस, इधर आ गया रेड लाइट, ये आप देख सकते हो रेड लाइट है। और अब हमें 10 मिनट्स तक रख लेंगे, और मैं सोचती हूँ इस टाइप से हम खड़ा करके ही रख दे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये साइड में आप देख सकते हो कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी वैक्स कितनी बची है कितनी नहीं। तो ये इसलिए ट्रांसपेरेंट है, अंदर का दिख रहा है, जो हमने मैंने जो वैक्स डाली है वो दिख रही है इसके अंदर। तो गरम हल्का हल्का होना शुरू हो गया है, मेरे को 5 मिनट तो हो गए हैं इसे। और जब तक ये गर्म हो रही है, जब तक हम अपने हाथों पर पाउडर अप्लाई कर लेंगे सारे हाथों पर, और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसे यूज़ होता है। जो चीज़ मैंने देखी सोच के मंगाया है वैसे ही है कि नहीं है। ये हो गया काफ़ी गर्म, जो कि मैं वायर निकालूंगी। वायर निकाल के ही आप अप्लाई करें, ये मैं निकाल दूंगी, टाइट है ये थोड़ा सा। ये निकाल दिया मैंने वायर, और ये बहुत गर्म हो चुका है। आई थिंक ये हाथ तो नहीं जलाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैंने अपने ऑलरेडी पाउडर लगा दिया है, तो ये नेक में भी निकाल लेती हूँ मैं। पाउडर मैंने अप्लाई कर ही लिया था, आपके आपको पता ही है। और अब मैं ये यूज करने वाली हूँ, और ये इस टाइप से, क्योंकि ये थोड़ा सा साइड बड़ी है, तो आप इसी टाइप से यूज करोगे, इस टाइप से लगेगा ही नहीं। करना है आपने ये लेना है, और आप इजली ये देखिए आराम से लग गई। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया ये देखिए, और अगर ये दूसरे कलर की होती, और बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, मैंने बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब स्ट्रिप लेंगे, और जैसे कोई भी एक जगह आप रखेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आपने निकालना है। और अगर आपको एसी की आवाज़ आ रही है तो एसी ज़रूरी है यार, नहीं तो इस टाइम पे मॉनसून के टाइम पे वैक्सिंग बहुत मुश्किल होती है, वैसे भी आपको पता ही है। और इसको निकाल देंगे, और ये रहे हमारे अच्छे खासे बाल निकल गए हैं। वाह, काफ़ी अच्छा है यार। ये देखिए, और ये हो गए मेरे क्लीन हेयर। वैक्स भी काफी अच्छी है। ये देखिए फुल निकल गए हेयर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ये मेरे को, और ना कोई गर्म है, बिल्कुल सेफ है। और आप घर पे मंगवा सकते हो, बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए काफ़ी निकल गए हैं मेरे हेयर।
ये वैक्स जो मैंने करी है, ये मैंने कर रही है, देखो जहाँ जहाँ मैंने बिल्कुल लगाया वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, ये हल्के से रह गए थे, तो कोई नहीं, ये तो मैंने किया ढंग से नहीं है। बाकी डिफरेंस देख सकते हो आप इन दोनों हाथों में, ये मेरा फुल ग्रोथ है हेयर और ये वाला मेरा क्लीन हो चुका है, काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। ये भी मैं क्लीन करूँगी और आपको दिखाऊँगी, ये देख सकते हो, ठीक है। और अब हम सनस्क्रीन लगा लेंगे, कोई सी भी सनस्क्रीन लगा सकते हो आप। ये देखिए अब मैं इसको ऑफ कैमरा कर लूंगी अपने हेयर को रिमूव, ये वाले। सो गाइज़ यहाँ पे देखो मैं अपने उल्टे हाथ से मैं वैक्स कर रही हूँ, तो काफ़ी दिक्कत होती है अगर हम नाइफ़ से लेके, अगर नॉर्मली जो वैक्स करते हैं तो उससे हम लेते हैं फिर वो गरम गरम लग जाती है और हम काफ़ी जल भी जाते हैं कभी कभी, तो ये ईज़ली लग गई है और बहुत कम वैक्स लगी है, ये आप देख सकते हो। आप अकेले अच्छे से वैक्स कर सकते हो इस मशीन के साथ, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, आपने परचेज करनी है तो ले सकते हो आप। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने लेग्स के भी वैक्स कर ली थी, तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ और काफ़ी हद तक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ आराम से हो गई थी, अकेले मैंने किया, आप ये देख सकते हो, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है आफ्टर वैक्स के बाद, तो ये आप देख सकते हो मेरे अच्छी तरह वैक्स हो गई है।